हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। और आज मैं बॉटल जो है सुबह सुबह बॉयल कर दे रही हूँ, क्योंकि अक्सर मैं भूल जाती हूँ और दिन में बॉयल करती हूँ तो जल्दी उठने से काम तो ऑफ कोर्स जल्दी हो जाते हैं। तो आज भी मैं टाइमली उठ गई थी, और क्योंकि सिर्फ प्रिशु को ड्रॉप करना लाना ही नहीं है होता है ना, घर में बहुत सारे काम होते हैं, एक छोटा बच्चा भी, तो उसी अनुसार अगर टाइम पर शेड्यूल कर लिए ना अपने सारे कामों को तो सभी काम बहुत ही आसानी से और टाइम पे हो जाते हैं। तो आज मैं उसे पूड़ियाँ बना कर दे रही हूँ, और लास्ट टाइम मैंने भुजिया पूड़ी दी थी तो वो पूड़ी तो खा गई थी, बट भुजिया सारा लौटा कर ले आई थी। तो आज मैंने सोचा कि उसे जैम और पूड़ी लगा, जैम पूड़ी में लगा कर दे दूँ तो वो रोल बना के, तो शायद वो खा ले, क्योंकि उस दिन जो कुछ बची हुई पूड़ियाँ थी तो वो मैंने शाम को उसे जैम के साथ खिलाया था तो वो आसानी से खा गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज भुजिया मैं स्किप कर देती हूँ। तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बना दी है ताकि शाम को वगैरह को उसे भूख लगे तो वो खा ले, और हाँ मेरा भतीजा भी खाता है तो उसके लिए भी मैं बना देती हूँ, और साथ ही मैं थोड़ा पनीर भी उसे फ्राई करके दूँगी। बिल्कुल हल्का सा मैं उसमें नमक डालती हूँ और हल्की सी काली मिर्च, तो मतलब टेस्ट अच्छा आता है और पनीर पसंद है उसे, खा लेती है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है दोनों टेस्ट मिल जाएगा उसे, मीठा एंड नमकीन का, क्योंकि बच्चे भी एक ही तरह का खाना खा के बोर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे हैं तो कुछ भी खिला दो खा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और फिर इसी बीच मैं पिशु के और भी कुछ कुछ काम होते हैं, मैं वो सारे भी कर लेती सुबह में, जैसे उसका बॉटल और लंच तो बिल्कुल रेडी करना है ही, बाकी उसके कपड़े वगैरह कुछ हैं तो हाँ आकर वो कैप क्या पहनेगी तो मैं सारे वो सारे इकट्ठा कर लेती हूँ, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते जो मैं सुबह सुबह कर लेती तो ज़्यादा सही होता है। तो आकर वो सारे काम नहीं, बस सीधा मैं खाने में लग जाती हूँ, हाँ, और अपने बेटे को फीड वगैरह भी कराती हूँ, फिर वो अनाज भी खाता है तो उसे लैक दाल वगैरह ये सब देती हूँ मैं उसे, और मैं जैम लेके पूरियों पे पूरा स्प्रेड कर रही हूँ और फिर मैं इसे रोल बना दूँगी। एक लंच बॉक्स मैंने और भी लिया था, इससे थोड़ा बड़ा है बट हाँ मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा, वो थोड़ा उठाने में भी हेवी था, तो अभी बच्चे बैग कैरी करते हैं तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और उतनी ज़्यादा खाती भी नहीं है, तो उतना बड़ा टिफ़िन देने का कोई मतलब नहीं बनता, तो अभी मैंने फ़िलहाल यही लिया है, यही यूज़ करती हूँ। हाँ बट अंदर से स्टील का होना चाहिए तो मैं इसका ध्यान रखती हूँ, और आज फ्राइडे है तो इसे कैजुअल ड्रेस में जाना था, मंडे टू थर्सडे स्कूल ड्रेस है यानी यूनिफॉर्म है, और फ्राइडे को बच्चे कैजुअल ड्रेस में जाते, थोड़ी मस्ती वगैरह होती होगी पढ़ाई के अलावा, और इसे धूप लग रही थी। फिर आज बनी थी ककोड़े की सब्ज़ी, जो छोटा वाला होता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसकी सब्ज़ी बनी थी और आम और रोटी मैंने खाई, और खाना वगैरह मैंने शूट नहीं किया, जो भी बनाया था सिंपली दाल चावल भुजिया बनाया है, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था तो मैं बिल्कुल मोबाइल को साइड में रख दी, मोबाइल डिस्चार्ज भी था तो मैंने चार्ज में लगा दिया था, और धूप बहुत ज़्यादा है तो आज टोटो में नहीं मिल पाया मुझे, वहाँ पे जैसे बुक करके जाना होता है तो नहीं मिल पाया, तो फिर मैं रिक्शा से ही निकल गई और फिर मैं घर आई, उसे खाना खिला रही थी। आज मेरा मन नहीं था क्योंकि मैं लेट से नाश्ता की थी, तो फिर मैं इसे खाना खिलाकर सो गई थोड़ी देर, और मैंने सोचा है कि अब मैं चावल नहीं खाऊँ, मुझे वेट लॉस करना है, और ये देखिए टीवी देख के खाना खा रही है। मैं जब सो के उठी तो 4 4:30 बज चुके थे, फिर मैंने दाल ये ककोड़े की सब्ज़ी
साथ ही आलू की भुजिया, दो रोटी और मैंगो, ये सारे खाए।